धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसा, परम पूजनीय इंसा डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के माध्यम से आप सभी के सामने रखते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शुरुआत करते हैं। दो तीन खबरें ऐसी हैं जो कल से चल रही हैं। एक तो है हजूर महाराज जी की जेड प्लस सिक्योरिटी को लेके, दूसरा ये कि क्या गुड़गांव में हजूर महाराज जी अपने परिवार के साथ हैं, वो सिरसा आएंगे या नहीं आएंगे, इन सब को लेके, तीसरा ये कि अब पंजाब में राजनीतिक विंग ने जो किया और उसके बाद जो अब हो रहा है, उन सब को हमें कैसे देखना चाहिए, और चौथा ये कि जेड प्लस सुरक्षा के मायने क्या हैं, क्यों ये दी गई है, और क्या वाकई में हजूर पिताजी को खतरा कोई है या नहीं है, और अब अचानक से हरियाणा सरकार इस तरह से व्यवहार क्यों कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें हम समझेंगे आज के इस लाइव सेशन में। तो आप जुड़े रहिए, दो मिनट और हम इंतज़ार करते हैं। बाकी आप अपने सवाल अभी लिख दीजिए इन टॉपिक्स के ऊपर। तो एक दो मिनट हम सवाल देख लेते हैं ताकि वो सवाल हम बीच में कवर करते चलेंगे। इन टॉपिक्स को लेके हमारी आज डिस्कशन रहेगी। कोई सवाल आपका बीच में पेंडिंग हो जो आप आज के सेशन में चाहते हो डिस्कशन करना, तो वो सवाल आप बीच में ले सकते हैं। बता दीजिए अभी से कि आप ये चीज़ और जानना चाह रहे हैं। बहुत से लोगों के मैसेज आए कि ये पैरोल को लेके और ये जो जेड प्लस सिक्योरिटी को लेके क्या इशू है और हाई कोर्ट क्या सुनवाई कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको समझेंगे आज हम। तो शेयर कर सकते हैं आप प्रोग्राम अगर आप चाहें तो। हाँ, बाकी कोई सवाल, चलिए हमारे पास कोई सवाल, एक मिनट और हम इंतज़ार करते हैं कोई सवाल मिल जाए तो, जो हम इंक्लूड कर सकें इसमें डिस्कशन में। पिताजी दो सेवादारों से मिले थे कि किसको वोट देना है जी, ये भी हम कर लेंगे डिस्कशन में। जी और कोई सवाल, और कोई अफवाह, कोई न्यूज़, कोई आपको लगता हो ये न्यूज़ आपको हमें लेनी चाहिए, हमारी नॉलेज में ना हो, आपकी नॉलेज में हो, तो ऐसी कोई न्यूज़ हो तो वो भी बता दीजिए। चलिए, सवाल कोई अभी तो नहीं आ रहा है, फिर जब आएगा तब देखते हैं। अब सबसे पहले हजूर पिताजी को 27 दिन की वीडियो दिखाने की बात हो रही है, 28 को जी। चलिए, 27 दिन 21 दिन की, 3 हफ्ते की पैरोल दी है। पैरोल को लेके एक चिट्ठी आपके सामने सर्कुलेशन में आ रही है, एक चिट्ठी आपको दिखाई दे रही है। अभी हजूर पिताजी ने जेल प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी आपको व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रही है। इसके अलावा हाई कोर्ट में इसमें सुनवाई हो रही है। हार्ड कोर प्रिजनर मतलब होता है अभी गंभीर अपराधी, जो मतलब ज़्यादा बड़े अपराधी हैं उनको हार्ड कोर क्रिमिनल इंग्लिश में कहा जाता है। जो हमें कमेंट सब बाद में लेंगे, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब शुरुआत करते हैं हाई कोर्ट में सुनवाई पे। हाई कोर्ट में एक प्रत्याशी है कोई जो चुनाव में खड़ा होगा पंजाब में, उसने एक पिटीशन लगाई कि भाई चुनाव के अंदर बीजेपी अपने निजी फायदे के लिए उसने ये सब कुछ किया, इस तरह का प्रोजेक्शन उसका कुछ था, जो भी था रहा होगा, लेकिन अभी चल रही है पिटीशन। मसला क्या है कि चुनाव निकल गया, पिटीशन के मायने है ही नहीं कि पिटीशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जिस वजह से पिटीशन लगाई गई वो वजह जा चुकी है और उस वजह को दोबारा वापस लाया नहीं जा सकता, मतलब पंजाब में चुनाव रद्द किया नहीं जा सकता। तो जो पिटीशन का खेल चल रहा है, ये सब सिर्फ और सिर्फ आम सब लोगों को या देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है प्रैक्टिकली। दूसरा क्या है कि हरियाणा के अंदर कोई भी सरकार है, चाहे स्टेट की है चाहे सेंटर की है, जो स्टेट में कानून लागू होता है, आपको मोटे तौर पे पता होना चाहिए, कोई भी कानून जब किसी देश में या किसी स्टेट में बनता है तो वो विधानसभा या लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, अगर विधानसभा में बनेगा तो वो गवर्नर की, राज्यपाल की मोहर लगती है, और अगर लोकसभा राज्यसभा में बनेगा तो प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की मोहर लगती है, तब कानून बनता है। और कानून बनने के बाद कोर्ट के हाथ में ये कभी नहीं होता कि उस कानून को बदल दो, वो स्टेट का स्पेसिफिक होता है, मतलब राज्य का, स्टेट का जो कानून होता है, कोर्ट के हाथ में ये पावर नहीं होती कि वो कानून बदल सके। अब हरियाणा का एक कानून है जिसे कह देते हैं हरियाणा गुड प्रिजनर कंडक्ट एक्ट,
ये कानून है, ये विधानसभा में बैठ के सभी ने मिलके बनाया है। अब उस कानून के मुताबिक अगर रंजीत मर्डर केस या छत्रपति मर्डर केस को जोड़ दिया जाए या और गुमनाम चिट्ठी के केस को भी जोड़ दिया जाए तो भी कानून के मुताबिक हजूर पिताजी को हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। मसला उस पिटीशन का क्या है कि हार्डकोर उस कानून के मुताबिक हार्डकोर प्रिजनर को 5 साल के बाद फरलो मिलती है, जबकि जो हार्डकोर प्रिजनर नहीं होते उनको 3 साल के बाद फरलो मिलती है। उस पिटिशनर का कहना है भी हजूर पिताजी हार्डकोर प्रिजनर की कैटेगरी में है इसलिए उनको फरलो नहीं दी जा सकती, जबकि हरियाणा का कानून कहता है कि उनको फरलो दी जा सकती है। अब मसला ये कानून बना हुआ है, ये सब हुआ है, लेकिन अब मीडिया में जो आप न्यूज़ सुन रहे हैं कि कोर्ट 25 तारीख को ये डिसाइड करेगी कि हजूर पिताजी हार्डकोर प्रिजनर हैं या नहीं है, कोर्ट के हाथ में ये पावर नहीं है क्योंकि ये पावर ऑलरेडी विधानसभा असेंबली के हाथ में है जिन्होंने ये कानून बनाया है। कोर्ट उस कानून को हाई कोर्ट के हाथ में कोई पावर नहीं कि वो उसे बदल सके। हार्डकोर प्रिजनर और प्रिजनर इसमें क्या करना है ये कोर्ट का मसला है ही नहीं, तो फिर ये कोर्ट में चल क्यों रहा है अगर कोर्ट का मसला है ही नहीं? तो ये भी आपको समझना जरूरी है भी कोर्ट में आखिर इस मसले को चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। मसला ये कि इसको बेस से लेते हैं, हमने आपको लास्ट इलेक्ट वैसे बता दिया पिछले लाइव में, फिर भी पॉलिटिकल विंग को वोट डलवाने थे बीजेपी को पंजाब में, और उन्होंने उनके सामने प्रपोजल रखा क्यों ना हजूर पिताजी को पैरोल पे बाहर लाया जाए और हम ये दिखा सकें भी देखो जिस सरकार ने रिलीफ दिया कल को ये बरी भी करवाएगी तो हम पैरोल पे बाहर ले आए। अब जब ये चीज दिखाई तो उसके बाद सात संगत की तरफ से आवाज उठने लगी, भैया हम तो दर्शन करके मानेंगे, हमें तो फोटो दिखाओ वीडियो दिखाओ। 7 फरवरी से लेके 20-21 फरवरी तक, 22 भी लगा लीजिए, 22 फरवरी तक जेड प्लस सिक्योरिटी, छोड़िए एक्स वाई जेड कोई सी भी सिक्योरिटी वहां पे नहीं थी, फिर आए 4 सिपाहियों के अलावा, उसके अलावा अंदर कितने थे क्या था कुछ पता नहीं, लेकिन सब उड़ती उड़ती खबरें थी। सिक्योरिटी हम फिजिकली देख के आए और तब पता चला भी गुड़गांव में पिताजी है ही नहीं, है या नहीं और बाद में कहाँ गए कहाँ नहीं गए, चुनाव तक ये सब गोलमाल होता रहा। चुनाव के बाद अचानक से गुड़गांव के अंदर 200 कर्मचारी पुलिस के लगा दिए गए, लेकिन अब जब आप पहले फरोलेंगे 7 फरवरी के आसपास की न्यूज़ आपको पता चलेगा उसमें 300 पुलिसकर्मी लिखा हुआ था, मैं 300 पुलिसकर्मी तैनात है सुरक्षा में और अब 200 हो गए, तो ये सिक्योरिटी बढ़ी है या घटी है ये आप सोच लेना। अब चलिए जेड प्लस सिक्योरिटी, इधर से होम मिनिस्टर बोलते हैं भी हमें तो पता ही नहीं है सिक्योरिटी लगी हुई है कि नहीं। कोर्ट में सुनवाई किस मायने पे है, कोर्ट करना क्या चाहती है इस सब में? एक पटिशनर ने कहा भी ये पैरोल होनी नहीं चाहिए थी, क्यों? क्योंकि उसका मसला था कि इससे मैं जो चुनाव लड़ रहा हूं उसमें मेरे वोटरों के वोट इस वजह से दूसरे पार्टी को चले जाएंगे क्योंकि एक व्यक्ति पैरोल पे बाहर आ गया है और उसका पैरोल में बाहर आना जायज नहीं है, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला है और बीजेपी ने ये पॉलिटिकल दाव खेला है और ये पॉलिटिकल दाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इलेक्शन तो निकल गया, अब जब दाव ही चल दिया और इलेक्शन भी निकल गया तो फिर इस पिटीशन के तो मायने नहीं बचे। कोर्ट सुनवाई क्यों कर रही है ये समझने की जरूरत आपको है। मसला ये कि शाही परिवार और राजनीतिक विंग ने मिल के ये प्लान बनाया और इस प्लान के मुताबिक हजूर पिताजी को बाहर निकाला और उसके बाद बीजेपी को वोट डालने को कहा। वीडियोज आपके सामने हैं और संगत को बोला गया भी ये वोट हजूर पिताजी का हुक्म है डालना है। अब प्रॉब्लम ये हुई कि रातों रात फैसला बदल गया, बदलने के बाद शिरोमणि अकाली दल बीच में कूद पड़ा और उसके बाद कुछ जगहों पे कांग्रेस भी, बीजेपी बहुत जगहों पे हट बदल दिया गया। अब जिसको बीजेपी का मैसेज ये कह के दिया था कि तो हजूर पिताजी का ऑर्डर है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाए भी हजूर पिताजी ने ऑर्डर रात में बदल दिया, मतलब अब साथ संगत के सामने झूठे पड़ गए। हालांकि ये हमें भी पता है कि हजूर पिताजी ने ऑर्डर नहीं दिया होगा, लेकिन बोला तो ऐसे ही जाता है कि हुक्म है, आपने गुरचरण कौर का ऑडियो सुना होगा 1000% हजूर पिताजी का हुक्म है, नहीं सुना तो आप यूट्यूब पे फेसबुक पे पढ़ा दोबारा सुन लीजिए, एक प्लेलिस्ट है इलेक्शंस की, इलेक्शंस में आपको मिल जाएगा उस वीडियो, एक वीडियो मिल जाएगा उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग गुरचरण कौर का है कि वो सरेआम हजूर पिताजी का नाम लेके सब कुछ बोल रही है। लेकिन रातों रात जब ऑर्डर बदल गया तो अब मसला बदल गया भी हजूर पिताजी का ऑर्डर कैसे बदल गया, वो तो अपना वचन बदलते ही नहीं। तो इट मीन्स क्या कि सबको ये समझ में आ गया कि ये एक गेम कुछ और ही चल रहा है। नतीजा ये हुआ कि ना अकाली दल
आ चुका नाम, बीजेपी आए तो वोट कहाँ चले गए किसी को पता ही नहीं, और लिहाजा पार्टियां क्या बोल रहे हैं भी ज्योतिषी बताएगा कि इलेक्शन कौन जीतेगा। अब इस सारे कशमकश में एक चीज तो क्लियर हो गई भी पंजाब के अंदर साध संगत की वोट को बड़े स्केल पे बेचा गया है अकाली दल और बीजेपी के हाथों। कितना पैसा मिला, क्या बेनिफिट मिला, ये मालूम नहीं, जिसको मिला होगा वो जाने, पर ये कन्फर्म है भी राजनीतिक विंग ने सौदा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब अगला स्टेप आया है कि अब संगत में जाके पैसे भी तो मांगने, परमार्थ के नाम पे सामान बेचना है, वो कैसे बेचेंगे, वो बेचने जाएगा कौन, क्योंकि अब इलेक्शन में धोखा तो शाही परिवार ने भी दे दिया और राजनीतिक विंग ने भी दे दिया, हजूर पिताजी के नाम का बखूबी इस्तेमाल किया, और उसके बाद रिजल्ट्स आएंगे तो पता चलेगा भी कितने आए। लेकिन अब इस मसला यहाँ खड़ा हो गया, अभी डेरे के पास अब जो 45 मेंबर हैं इनका खर्चा कहाँ से चले, क्योंकि इनको आदत पड़ी है हराम का खाना खाने की, इनको 1 रुपये की जगह 100 रुपया चाहिए होता है, सीधा चीज़ तो इनको हजम नहीं होती। अब प्रॉब्लम यह है कि 2 दिन पहले सिरसा के अंदर एक मीटिंग हुई है, और ये कन्फर्म मैं ऑथेंटिक बोल रहा हूँ, इसकी कन्फर्म जानकारी, मीटिंग होती है 45 मेंबर बहनों की, खासतौर पर यूथ वीरांगनाओं की मीटिंग ये होती है, भैया अब हमारा खर्चा कैसे चलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, संगत तो पैसा दे नहीं रही। तो आजकल क्या है कि आपका यहाँ पता नहीं लेकिन सिरसा में एक धंधा है कि राम चर्चा में सरेआम पैसा इकट्ठा किया था, 100, 500, 50, जैसे आमतौर पे आपने जगराते में देखा होगा ना, 100 रुपये की अरदास, 50 रुपये की अरदास, इस तरह से धंधा चल रहा है नाम चर्चाओं में, सिरसा में 500 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, ये चल रहा है, अब 10 रुपये तक भी आ गए हैं। तो क्या है ये धंधा जितना नीचे से लेके ऊपर तक जो बीच का भंगी दास, 15 मेंबर, 25 मेंबर, 45 मेंबर, जो जो बेईमान है वो सब हिस्सा बांट के खाते हैं। अब 45 मेंबरों को क्या कि पैसा बहुत लग गया जी, जस्सी को जिताने में, जस्सी तो जीते ना जीते, अब हमारा खर्चा चलाने के लिए और पैसा चाहिए, हम तो आदत पड़ चुकी है खाने की, अब वो पैसा निकल नहीं रहा है। तो मीटिंग का मुद्दा ये था कि पैसा कैसे आए, नतीजा ये हुआ कि क्या हुआ, सब्जियां लाई गई, बोला इन सब्जियों को जबरदस्ती संगत को दे के आओ, बोलो तेरावास की हैं, बोलो सोनारिया की हैं, बोलो डेरे की हैं, जो बोलना है बोलो, लेकिन पैसा लेके रहो। इस रेस में अब 45 उम्रों की मीटिंगें होने लगी हैं, अभी पैसा नहीं आ रहा है हमारे खाने के लिए, क्योंकि काम धंधा करना हमें कुछ आता नहीं, हमें तो लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा लूटना आता है, यही सब चीज़ 45 मेंबर सीख चुके हैं और सीखे हुए हैं, अब धंधा चल नहीं रहा क्योंकि संगत को समझ आने लगी है। इधर क्या है कि शाही परिवार को ये हो गया, चलो राजनीतिक विंग तो पता ही है उनको धोखा देने वाला है, एडम ब्लॉक का भी पता है धोखा देने वाला है, लेकिन अब शाही परिवार भी धोखा देगा, ये मुसीबत खड़ी हो गई। अब शाही परिवार पे जो लोग उनके करीबी हैं उन पे भरोसा करते थे, अब उनका भरोसा टूट गया, लिहाजा हमने आपको पिछले लाइव में भी बताया था कि भाई जसमीत जी अब चक्कर काट रहे हैं कि मैं संगत को क्या मुंह दिखाऊंगा, तो कोई मेरे को फोटो वीडियो जारी तो करो। अब क्या है कि सरकार को दिख रहा है कि 24 अप्रैल 2022 में पंचायत इलेक्शन हरियाणा के होने हैं। अब पंचायत इलेक्शन होने हैं तो जाहिर सी बात है कि पंजाब में वोट मिले ना मिले हो, लेकिन हरियाणा में भी वोट चाहिए, और इधर से फोटो वीडियो जारी करना भी मुसीबत बना हुआ है। तो क्या है कि पहले एक नया ड्रामा खेला जाए, वो ड्रामा यह कि ड्रोन से हमला हो जाएगा, खालिस्तानी आतंकवादियों का इनपुट जारी हुआ है, ये इनपुट क्या बला है, इनपुट का पता कैसे चलता है, इनपुट क्या है, इनपुट एक सूचना होती है। मान लीजिए मैं सिरसा में बैठा हूँ, सिरसा में बैठ के मेरे कान में कोई सूचना पड़ी कोई साजिश की, आम तौर पे खुफिया एजेंसियां आम आदमियों की तरह आम आदमियों में विचरती हैं बिना किसी वर्दी पहचान के, वो आम आदमियों के बीच में रहते हैं, कोई कोई काम करता है, कोई जूस की रेडी लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, ऐसे वो उन लोगों के बीच में भी रहते हैं जो वारदात करते रहते हैं। वहां से कोई सूचना उनको मिली या उनको लगा ऐसा कुछ प्लानिंग चल रही है, वो सूचना जारी करते रहते हैं, वो सूचना सरकार के पास पहुंचती रहती है, उस सूचना को इनपुट कहा जाता है, जो आप न्यूज में देख रहे हैं भी इनपुट मिला जी खालिस्तानी आतंकी हमला कर सकते हैं। तो ये इनपुट इसका कोई कागजी आधार नहीं होता, ये सिर्फ बस सूचना भेजते चलो लिखते रहेंगे बैठ के, ये कोई ऐसा नहीं है कि बढ़िया ईमेल बना के या रिकॉर्ड पे सरकारी रिकॉर्ड पे आती है, ये उन्होंने भेज दिए, सरकार उसके हिसाब से अलर्ट जारी कर देती है, भी हमारे पास ये सूचना है कि खुफिया विभाग अलर्ट जारी करता है सरकार को कि हमारे पास ये सूचना है कुछ ऐसा हो सकता है, इसको लेके थोड़ा सा एहतियात बरत लिया जाए। तो ये सब है, अब अचानक से ये 7 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक कोई खतरा नहीं था, अचानक से खतरा पैदा हुआ 21 फरवरी तक, अचानक से खतरा पैदा हुआ और अचानक से जेड प्लस सिक्योरिटी वगैरह वगैरह सब कुछ, पहले कुछ नहीं था अब इतना कुछ आ गया। ये सब क्यों है, ये सब इसलिए ताकि आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाए
कि क्यों आपको 20 तारीख तक फोटो वीडियो ऑडियो नहीं दिखाया गया, क्यों आपको ये जानकारी शाही परिवार नहीं दे सका, क्योंकि हजूर पिताजी का फोटो वीडियो बाहर नहीं आ सकता क्योंकि उनको खालिस्तानी आतंकियों से तथाकथित खतरा है। ये चीज अब सरकार शाही परिवार के बेनिफिट के लिए या राजनीतिक विंग के बेनिफिट के लिए साबित करने पर तुल गई है ताकि 24 अप्रैल को पंचायती इलेक्शन में उनको फायदा मिल सके। ये दौर है। अब इस सब में कोर्ट जिस सुनवाई कर रही है जिस पिटीशन पे, उस सुनवाई का मतलब ही नहीं है क्योंकि इलेक्शन जा चुका है। पर क्योंकि अगर सरकार इस चीज पर लेगी तो मीडिया धोने लग जाता है पकड़ पकड़ के, और मीडिया ने आज सुबह टाइम्स नाउ की डिबेट आप देखेंगे, हिंदी टाइम्स नाउ की, उसमें आपको समझ में भी आएगा अभी कैसे मीडिया रगड़ने लग जाता है। अब क्या है कि इस सारे कशमकश में अनिल विज जैसे गृह मंत्री हैं उनको कुछ पता ही नहीं है। बोला गृह मंत्री मैं हूँ, मुझे ही नहीं पता कि मेरी पुलिस जेड प्लस सिक्योरिटी में भी लगी है। चलिए ये भी एक अजीब बात है। और फिर पता चलता है चलो ये सेंटर का मसला है, जब सेंटर का मसला है तो स्टेट गवर्नमेंट रिप्लाई क्यों फाइल कर रही है हाई कोर्ट में, जब ये मसला ही सेंटर का है। तो सेंटर ने नहीं किया तो सेंटर का अटॉर्नी जनरल पेश हो जाए वहाँ से, या जो भी उनकी तरफ से वकील पेश हो जाए। लेकिन मसला क्या है कि मसला कुछ और है। अब मीडिया क्या है, मीडिया में जिन लोगों को मीडिया में आजकल क्या है, पहले तो अच्छे खासे पत्रकार होते थे, आज भी कुछ कुछ अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे अब ऐसे हैं जिनको कोई काम नहीं मिलता, वो यूट्यूब पे चैनल खोल के पत्रकार बन जाते हैं मीडिया वाले। अब उनको क्या है, उनको ना तो किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है सिवाय बोलने के, उनको कोई फैक्ट से मतलब नहीं, कुछ नहीं। उनको ये पता कि हमारे फेसबुक पे इतने व्यूज़ आएंगे तो बस हमें, या वीडियो यूट्यूब पे इतने व्यूज़ आने चाहिए, उसके लिए कुछ मर्जी परोसना पड़े परोस दो, बस लास्ट में लिख देना है सूत्र। तो खैर ये एक नया कॉन्सेप्ट जो चल रहा है उसमें पत्रकार के अलावा बहुत सारे बेवकूफ़ लोग भी हैं जो अपने आप को पत्रकार घोषित करते हैं। उनको क्या मतलब है, उन्होंने क्या जी एक काम करो, एक माइक छत्रपति के लड़के के सामने कर दो, हाँ भी तुम बोल। अब देखो जी छत्रपति के लड़के ने खतरे की आशंका जाहिर की, उन्होंने सवाल उठाए, इधर से दूसरा माइक खट्टा सिंह के आगे कर दो, तीसरा किसी और के आगे कर दो। ऐसे में एक पंजाब का लीडर है वड्डा टोहा ऐसा कुछ नाम है, वल्टोहा है, तो ऐसा कुछ नाम है, कोई अकाली दल का लीडर है। अब अकाली दल के लीडर ने बोला भी गुरुजी को तो जेल में ही होना चाहिए, अगर इतना ही खतरा है तो होना ही नहीं चाहिए बाहर। अभी दो दिन पहले तो वोट मांग रहा था वही ऐसे मेरे को वोट दे दो, अभी बोला कि नहीं वोट तो हो गया काम, अब खत्म करो सब कुछ। अब राजनीतिक विंग से जाके जरा पूछ लो, 20 आदमी को वोट देने को बोला था, इस आदमी की पार्टी को वोट देने को बोला था, और ये क्या बोल रहा है? तो क्या ये बादल की सहमति के बिना बोल रहा है? तो बादल को अपने पालतू कुत्तों को बांध के रखना चाहिए, लेकिन नहीं। चलिए अगर पालतू कुत्ते हैं तो बांध के रखिए, अगर आवारा हैं तो फिर पार्टी में रखे क्यों हैं। खैर बड़ा टोहा जो भी है ये, अब क्या है कि वो बोल रहा है, अब राजनीतिक विंग इसका जवाब दे, और या फिर जिन लोगों ने राजनीतिक विंग के कहने पे अकाली दल को वोट दिया है वो अपने आप से जवाब मांगे कि क्या किया है उन्होंने इस काम के लिए, भी एक ऐसे आदमी को वोट दिया पैसे के लिए कि राम सिंह चेयरमैन जैसों की जेब में पैसा चला जाए, जोरा सिंह जगजीत सिंह जैसों की जेब में पैसा जाए, शाही परिवार की जेब में पैसा जाए, ताकि ये 2% के नेता हजूर पिताजी को अनाप शनाप बोल सकें, इसलिए वोट दिया था अकाली दल को। तो यही तो हम आपको शुरू से समझा रहे थे भी, अभी तक तो ये गायें हैं और जैसे ही वोट मिल जाएगा ये सांड बन जाएंगे, और ये बन गए। अभी तो देर भी नहीं हुई, 2-4 दिन अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, लेकिन ना तो आपका दिया वोट कैंसिल हो सकता है और ना आप पछतावा कर सकते हैं भी हमने वोट दिया क्यों, तो किसके सामने रोएंगे। तो खैर आप क्या है कि आप भी गुलाम हैं, तो गुलाम आदमी को बांध के रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने खोल के छोड़ दिया है। तो मसला ये कि ये सब कुछ किस लिए हो रहा है, अब आगे उनको हरियाणा चुनाव दिख रहा है, संभवतः ये भी हो सकता है अभी 27 तारीख के बाद फरलो को एक्सटेंड भी कर दिया जाए, लेकिन तब तक आपको एक लॉलीपॉप देख रहे हैं, वीडियो आएगा। अब आप कल्पना कीजिए वीडियो आएगा तो करेंगे क्या उस वीडियो से, उस वीडियो के आपके लिए मायने क्या हैं, क्या उस वीडियो से गुरुजी पर लगे आरोप धुल जाएंगे, क्या उस वीडियो से गुरुजी की सच्चाई सामने आएगी, उस वीडियो से सिर्फ और सिर्फ आपका वोट राजनीतिक विंग और शाही परिवार मिलके खरीद लेगा, बेच देगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को और ऑब्वियसली भाजपा को, और उसके बदले अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा या कोई और बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो 2-4 केस होंगे उनके ऊपर जो बनने वाले होंगे वो नहीं बनेंगे,
या उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी, उसमें रिलीफ मिल जाएगा। बस इतना ही सब कुछ होना है। लेकिन इस सब में आपने किया क्या? क्या आपकी वजह से गुरुजी को कोई रिलीफ मिल रहा है, या आपकी वजह से गुरुजी का सच सामने आ रहा है? नहीं, आप उस ऐसे खेल के खिलाड़ी, तमाशबीन हैं, जिसे हम देसी भाषा में कहें तमाशा देखने वाले। आप इस सारे तमाशे को देख रहे हैं, देखते रहिए। और इसमें क्या है, आपका ये तमाशा देखना संतों की निंदा का कारण बन रहा है। कोशिश कीजिए उस कारण को खत्म करने की, लेकिन अगर बढ़ते रहेंगे तो यकीन मानिए जो गुनाह सभी लोग कर रहे हैं उसमें आप बराबर के भागीदार हैं। और भागीदार बने रहना चाहते हैं तो करते रहिए, नहीं बने रहना चाहते तो जो पंजाब में किया है वो हरियाणा में भी कर दिखाइए। नोटा की तो अफवाह ही उड़ी थी, इधर से फरलो का ड्रामा शुरू हुआ, फरलो भी मिल गई और अभी नोटा दब गया तो वीडियो की बातें आने लगी। और अगर हरियाणा में दब गया तो क्या क्या होगा, आपको समझते रहिए। तो खैर, ये तो था पैरोल का मसला, जो फरलो का हाई कोर्ट में चल रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें आपको कोई सवाल हो तो सबसे पहले हम वो ले लें, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो कोई और सवाल आपका इससे संबंधित हो तो कमेंट्स ओपन करते हैं, हम अपना सवाल रखिएगा। इसके अलावा खतरा, हजूर पिताजी को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, ये सब ड्रामेबाजी है। वो आपको हमने समझा दिया कि खतरे का कोई मायने नहीं है। तो एक और बातचीत आपको बता दें, और बताना नहीं चाहते थे लेकिन यकीन करिए ना करिए, क्योंकि चीज़ ऐसी है इसका कोई प्रूफ नहीं होता। मसला ये कि किसी सत्संगी ने बताया है कि उसे हजूर पिताजी ने दर्शन दिए और ये बात बोली कि जो नारा हम लोग आखिर में इस बात का लगाते हैं भी हजूर पिताजी के चरणों में कि वो सत्संगत को मुआफ करके वापस आ जाएं, तो ये नारा हजूर पिताजी मंजूर करते हैं। और ये बात किसी ने हमें बताई कि उसे हजूर पिताजी ने सपने में दर्शन देके बताई। इस पे यकीन कीजिए नहीं कीजिए ये आपकी मर्जी है, इसको साबित करने का कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन सिर्फ इसलिए बता रहे हैं ताकि जब नारा लगाएं तो आप नारा सच्चे दिल से लगाया करें, हो सकता है हजूर पिताजी मंजूर कर लें। और कोशिश कीजिए, क्या हर्ज है, नारा ही लगाना है, कुछ गलत का तो करना नहीं है। तो खैर, ये जानकारी एक और थी। इसके अलावा कोई चीज़ ऐसी जो मैं भूल गया हूँ वो आप रिमाइंड करा दीजिए। पंचकुला दंगे को लेके हम अपने डिस्कशन जारी रखेंगे, क्योंकि बीच में यह चलता रहता थोड़ा थोड़ा। तो पंचकुला को लेके चलेगा आगे। उसके अलावा कोई जानकारी? हाँ, अब ये खालिस्तान क्या है? खालिस्तान एक लिफाफा है। अब इस लिफाफे में क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो देश की सरकार से परेशान हैं, वो चाहते हैं कि उनका अपना एक अलग से देश बन जाए, जैसे पाकिस्तान बन गया था इंडिया से टूट के, ऐसे वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने शरारत करना है, दंगे मचाने हैं और कोई ना कोई वारदात करते रहना है। वो क्या करता है भी, अगर वो सीधे तौर पे सामने आ जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, तो वो अपने ऊपर एक खालिस्तान का लिफाफा ओढ़ लेते हैं भी हम भी खालिस्तान वाले हैं। तो क्या है, जो खालिस्तान ए खालिस्तान बी, ये दोनों मिलकर एक बड़ा खालिस्तान बन जाता है। इसमें क्या है कि अपराधी अपने आप को छुपाने के लिए खालिस्तान का कवर पहन लेता है, ताकि उसका सारा डायरेक्शन खालिस्तान की तरफ मुड़ जाए। और ये सब धंधा है, ये कोई नया मसला नहीं है। इस तरह के मसले जब पाकिस्तान इस देश की राजनीति में बहुत मायने रखता है, तो पंजाब की राजनीति में, हरियाणा पंजाब की राजनीति में खालिस्तान बहुत मायने रखता है। ये चीज़ आपको समझना है। यूपी बिहार में पाकिस्तान चलेगा, हरियाणा पंजाब या जम्मू कश्मीर में और हरियाणा पंजाब में खालिस्तान चलता है। तो ये एक ऐसा मसला है जिसमें सबका फायदा है, जैसे एक राम मंदिर से सबका फायदा है, इसी तरह एक ही खालिस्तान के लिफाफे से सबका फायदा है। खालिस्तान की आवाज़ उठाने वालों को भी, उसकी आवाज़ दबाने वालों को भी, और उस पर चर्चा करने वालों को भी। इसलिए यह मसला खड़ा रहेगा। इसके अलावा एक सवाल बीच में कुर्बानी गैंग को लेके क्या चल रहा था वो मिस हो गया। पिताजी का बाहर तब भी सिक्योरिटी थी, इसका मतलब विरोधी तो हैं पिताजी के। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ये तो, वैसे भी उनकी सिक्योरिटी, पिताजी जाने से पहले भी जेड प्लस सिक्योरिटी कवर में थे, कोई नई बात तो नहीं है। कोई भी डेरे में कंस्ट्रक्शन का काम होता है, हजूर अगर कोई नया वेंचर बनता है कुछ भी, तो वो हजूर पिताजी से पूछा जाता है और बकायदा हजूर पिताजी उसकी नींव रखते हैं। लेकिन आजकल क्या है डेरों के अंदर, डेरे में क्या, अब जो सात संगत से जैसे जैसे मैनेजमेंट की कमाई कम हो रही है, तो सात संगत हर जगह कैंटीने बनाने का, रेस्टोरेंट बनाने का, बैंक डेरे की जमीन पे ही इस तरह के काम कर रहे हैं कि छोटी मोटी शादियां कर लेंगे, कैंटीन बना लो, ये सब चीजें करते कर रहे हैं। तो कोई नई बात नहीं है।
अब जरा ये समझिए, 25 तारीख मतलब परसों, परसों सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में। परसों जब हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद अगर हाई कोर्ट ये बोले कि 24 घंटे के अंदर सुनवारिया जेल में सरेंडर करो, तो 27 की जगह 26 तारीख को सरेंडर कर भी दें, तो भी आप सोचिएगा भी इस चीज़ के मायने क्या हैं, भी क्यों ये सब कुछ किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल गेम है जो आपके दिमाग से खेला जा रहा है, जिसका धरातल पे ना कोई ज़रूरत है ना कुछ। तो खैर ये चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पंजाब में चल रही हैं, थोड़ा पंजाब के लोगों को पंजाबी भाषा में ज़्यादा सही से समझ में आता है, तो हम वो बैन वीरपाल कौर जी से पूछ लेते हैं। ये सवाल है कुर्बानी गैंग क्यों बनाया वगैरह वगैरह, तो मैं पूरा सवाल, एक तो इतनी स्पीड से कमेंट आते हैं, चला गया है। तो कुर्बानी गैंग बनाया, कुर्बानी गैंग सबसे पहले मार्च 2007 में बनाया गया था। कुर्बानी, चलो हम इसको बाद में डिस्कस करें, टॉपिक ये अलग हो जाएगा, पर हम वीरपाल बहन जी से कर लेते हैं, फिर 10 मिनट बाद हम करते हैं पंजाब की बातें जान लेते हैं। हाँ जी बहन जी, बहुत ही प्यारे सतगुरु जी दी प्यारी प्यारी साध संगत जी, तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, अज पंजाब दी चोणां होईआं नूं 3 दिन लगभग हो गए, 23 तरीक हो गई है, पर अजे भी साध संगत वल्लों कई सूचनावां आ रही है। सारे थावां तों लगभग इही रिपोर्टां आ रही है कि जो अकाली दल ते बीजेपी नूं वोट पाई गई है, ओह ज्यादातर जो ब्लॉक दे जिम्मेवार है उन्हां ने पाई है। जो आम साध संगत है, मतलब कि ब्लॉक के जिम्मेवार कह सकते हैं, पर एक तरह में कला ये नहीं, एक ब्लॉक के जिम्मेवार 15 जिम्मेवार होंगे, वो ही जिम्मेवार होंगे। ब्लॉक के विच होर भी कई तरह दियां समितियां बनिया होंगी, ज्यादातर उन्होंने जेडे किसी ना किसी चीज के जिम्मेवार बनाए हुए है, उन्होंने लोगों ने ही ज्यादा जी है विखते कहते वोट पाई है। जी आम साध संगत है, आम साध संगत की सारी यही लगातार रिपोर्ट आ रही है भी ज्यादा असी नोटा वोट पाई है, या फिर असी वोट पाई नहीं। बहुत ही साध संगत यह भी कह रही है कि असी वोट नहीं पाई, क्योंकि जो सू बार बार सुनेह देंगे कि कांग्रेस अकाली दल बीजेपी वोट पानी है, तो फिर असी वोट नहीं पाई। जिसे कांग्रेस में सुनेह गए उत्थे भी कई थावान से संगत ने वोट पोल नहीं की, मतलब अपनी बहुत ज्यादा संगत यहोजी भी आ जिस तरह सूचनावां आ रही है भी जिन्होंने वोट पोल नहीं की, वोट पाई ही नहीं। जो संगत ने वोट पाई है ओहदे विचों जिहड़े लोग अपने कुछ है जिम्मेवार इहो है जिहड़े आप नाल जुड़े हुए थे, उन्होंने आप नूं वोट पाई है, बहुत ही संगत ने भी आप नूं वोट पाती। इसे करके जो पहला आपदे आपदे जिथे जिहड़ियां पार्टियां नाल जुड़े हुए थे उन्होंने उत्थे उत्थे आपदियां आपदियां पार्टियां नूं वोट पाई है। जेडी एक होर जो ये चल रहा वोटा का, तो उदो एक होर अखबार जी सुनाई जा रही थी लगातार, कई लोग खास करके आई टी विंग वाले राजनीतिक जे वे वे चमचे से करशे है, उन्होंने ये बहुत अफवाह फैलाई थी कि 2014 जो पिताई ने वोट पोल करके ट्वीट किया बीजेपी में पाई है वोट, आपा भी बीजेपी में पानी है। प्यारी साध संगत जी ने भी दसिया, चलो मैं हम पंजाबी च भी तुम दस दिनी हाँ क्योंकि बहुत ही साध संगत हिंदी नहीं समझती। जो संत होंगे संत सिर्फ वह काम करते हैं जिस दी शिक्षा वह अपने बच्चों नूं दिंदे आ, हमेशा ही रहा गुरु पीर अवतार जिन्हें भी आए हैं धरती के उत्ते सिर्फ उही काम करते हैं जिसकी सिक्ख्या अपने वह शिक्षा नूं दिंदे आ, अपने सिखा नूं दिंदे आ। गुरु पिता जी हमेशा एक वचन करते रहे कि साडा राजनीति नाल कोई संबंध नहीं, सानू राजनीति का कोई शौक नहीं, सानू किसी पार्टी नाल साडा कोई संबंध नहीं, असी कदे किसी पार्टी नूं वोट पाउणा नहीं, कहिंदे सानू कोई पार्टी पसंद नहीं है, क्योंकि संतान नूं तां सारी दुनिया ही इको जी होंगी है, संतान दे तां सारे मतलब हर जीव ही उन्हां दा बच्चा ही, तां जी कहिंदे हुंदे सी बेटा जो संत हुंदे आ उह तां रब दा रूप हुंदे आ ते उन्हां दी सारी दुनिया इको जी हुंदी है। गुरु पिता जी स्टेज ते बैठ के शब्द लाउंदे रहे कि असी जे कदे भी कोई सच्चा प्रेमी इह आ के कहे कि असी कदे भी किसी भी पार्टी का ना लिया हो कि इस पार्टी नूं पाओ ते इस पार्टी नूं ना पाओ। जो सतगुर पिता ने एक बार सिरसा की शर्त भी लाई थी, उसी सिरसा की शर्त लाने जे अस कदे भी यह क्या हो भी असी इस पार्टी नूं वोट पाइए जां इस पार्टी नूं वोट पाओ। 2017 दे विच भी जो अकाली दल बीजेपी नूं विंग ने डिकलेयर किया सी तां उदों भी एक अपना किसी पत्रकार ने पिता जी नूं पुछिया सी भी गुरु जी तुहाडी जिहड़ी
सत्संग करते हैं तुसी जा तुसी जिहड़ा तुहाडा मिशन है जां तुहाडा जो सत्संग डेरा है जिहदे तुसी मुखी है ते इह नशियां नूं बहुत छुड़ाउंदे आ। वी साडी इह पहली गल हुंदी है कि उह नशियां छुड़वाए जांदे आ, पर तुहाडा जिहड़ा राजनीतिक विंग आ उसने इक अजिही पार्टी नूं सपोर्ट कीता है पंजाब दे विच अकाली बीजेपी नूं, जिन्हां ने कि 10 सालां दे विच नशे नूं बहुत ज्यादा वधाया, नशे दे व्यापार शहर आम होण लगी। उत्थे पिता जी ने जवाब दिता, बेटो सानू तां पता ही नहीं वी उन्होंने इस पार्टी नूं सपोर्ट कीते, कहिंदे सानू तां तुहाडे तां पता लग रिहा है वी उन्होंने इस पार्टी नूं सपोर्ट कीता। फिर उत्थे पिता जी जदों पुछया गया कि की तुहाडे तों पुछया नहीं गया, पिता जी कहिंदे वी नहीं साडे तों पुछया नहीं जांदा, सानू तां सिर्फ इन्हां ने आके इह कहा सी वी पिता जी मतलब कि जिहड़ी इह पार्टी वाले जिहड़े हैगे लीडर नेता इन्हां दे उह एफिडेविट भर रहे हैं वी असीं जिहड़ा नशा छुड़ावांगे, असीं नशे छुड़ाओ केंद्र जिहड़े खोलांगे, वध तों वध उत्थे नशा छुड़ावांगे फ्री दे विच लोकां दा, ते कहिंदे असीं अगर भाई तुसीं देख लो मतलब पिता जी कहिंदे सानू सिर्फ इन्नी गल दसी गई वी उह नशे नूं छुड़ाउणगे जां जिहड़े नशे दे सेंटर खोलणगे जिथे नौजवान नशा छुड़ाए असीं उस पार्टी नूं सपोर्ट करांगे। ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚੇ ਸੀ ਕਕਸ਼ੇ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ 2012 ਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਟਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇ। 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਟਨ ਆਇਆ, 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਔਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਦ ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਰਾਮ ਤੁਕ ਹਲਵਾ ਕੇ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਨੋਟਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, 100% ਨਹੀਂ 1,00,000% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੋਟ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਚੱਲਦੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਨੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇਣ ਤੇ ਕੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਸੰਤਾ ਇੱਕ ਸੰਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਛ ਦੇ ਚਰਚੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਵਰਾਂਗਣਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁੜ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਗੁੜ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗੁੜ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਚਰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਚੇਲੀ ਆ, ਉਹ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਭੈਣ ਆ, ਰੀਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਗੁਰਚਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਚਰਨ ਦੀਆਂ ਚੇਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਚਰਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੂਜੇ ਆ ਜਿੰਮੇਵਾਰ 15, 25, 45 ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਆਡਰ ਬਲੋਕ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਤੇ ਹਰੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਆ।
इन्हों ने तो सिर्फ सैकड़े गुरु जिवें मसाने के वचन सी, इन्होंने सैकड़े गुरु आपके बना रखे है। खुद भी यह नरकों के इन्होंने आपके द्वार खोल लेते हैं, साध संगत को भी मगर लेके जा रहा है। पर असी शुक्रिया करते हैं बार बार उस सूझवान संगत का, उस जागरूक साध संगत का, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु पिता जी का एक 56 मिनट का सिर्फ सैकंड का सॉरी राजनीतिक वंग वाले एक गल का होर जवाब देन। अगर राजनीतिक वंग वाले ना थोड़ी जी भी अणख हैगी है, कोई शर्म हैगी है, चल शर्म कह दें, अगर थोड़ी जी भी शर्म हैगी है ना, तो जरा फिर हम बलटोहे ने बयान दिता सानू जवाब देन। जरा सवाल खड़ा किया बलटोहे ने, जी सब तो वड्डी गल बलटोहे ने कही है कि राम रहीम तो समाज नू ते देश नू खतरा है, समाज नू ते देश नू खतरा है। कहना जे ओनू किसी ताकत तो खतरा तो ओनू जेल व्यक्ति कहना उस रक्षा तो उत्थे चला जावे। फिर देखो अगे की कहना, जरा बंदा कसरा कहना जिन्हें नफरत पैदा की होगी तो जिदे उपर वे वे दोष हो, कहना उस बंद कहना चोना समय पैरल देना, कहना आपके आप गुनाह है, पाप है। हम सा राजनीतिक विंग दसे इन्ह गलों गल का जवाब देवे ना भी बलटोहे क्यों नहीं कोई नोट्स करते, क्यों नहीं हम सच कहू लिखता, सच कहू की कलम क्यों टुट गई, हम क्यों नहीं सच चैनल वाला हम बोलता कितने कक्कड़, और क्यों नहीं बोलता कि साडे गुरु पिता जी कदे भी समाज के देश को खतरा नहीं है। जिस संत ने 6 करोड़ लोगों के घर स्वर्ग बनाते, वो तो यह की कहें समाज को खतरा, देश को खतरा। अज तक इतिहास के नहीं होया कि संत कदे किसी समाज का देश को खतरा नहीं होंगे। केवल तो इन्हें पता नहीं है भी समाज को देश को खतरा की तो है, असं दस दें जे नहीं पता। बलटोहा सुन ला गल, समाज नू खतरा उन्हां लोकां तो जिहड़े नशे का खुले आम व्यापार करते हैं। यह थोड़े वर्गियां पार्टियां के नुमाइंदे जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों नशा ते लाता ना, घर के घर उजाड़ते, मावां दीआं कुखां उजाड़तीआं। जिस देश नू ते समाज नू खतरा है ना, उन्हां लोकां तो खतरा है। हिम्मत है ता फिर उन्हां नू खत्म करके दिखाओ। उन्होंने खिलाफ जिन्होंने जिन्हें कुखा उजाड़िया घर घर जो बर्बादी खड़ी करती, पंजाब दे विच छोटे छोटे स्कूलों के बच्चे नहीं छड़े जिन्होंने नशा ते लाते, जे हिम्मत है ना फिर जिन्हों को समाज में सचमुच खतरा है, तो फिर उन्होंने तुम ओखली बोल के तो दिखाओ, दुनिया को दसो तो सही कि भाई आओ लोग पार्टी चो कदो तो सही। जे हिम्मत रखने तो समाज का जे तुम फिक्र है, जे थोनू देश का फिक्र है, फिर सच बोलो, सच बोलने की हिम्मत रखो, जो सच्चाई है दुनिया के सामने रखो। फिर की सच्चाई है अज सर सू इन प्रधान भी जवाब देवे, प्रधान भी जवाब देवे की बलटोहा वे तो बिना कहे बोल रहा, अपने आप बोल रहा है। जे बलटोहा प्रधान की आज्ञा तो बिना बोल रहा तो वह पार्टी के क्या क्यों नहीं जाता, की प्रधान यह नहीं कह सकता भी हजे परसों ही तो सू वोटा पा के हटे है। बड़े खुश होंगे बड़िया साढ़े अर्गे भी कई तो फोन करता रहना चमचिया कहना सानू, तो इस बार अकाली दल थोड़े प्रेमिया ने वोट ही बहुत पाई है, तुम साडे प्रेमिया की भोले भाले जेडे प्रेमी है उन्होंने ठीक है, राजनीतिक विंग तो साडा विकिया ही विकिया है, तो ना तुम कहना फिर घट है। तो एक होर गल कहना सरकार ये बहुत वड्डा गुनाह कर रही है, पाप कर रही है, कहना शायद उन्होंने गुनाहों नू पाप नू तो साडी सरकार कुछ नहीं समझदियां, कहना केवल तो केवल इन्हों वोट राजनीति चाहिए है, देश जाए कहना भावे ढट्ठे खूह से, समाज भी जाए ढट्ठे खूह च, कहना पता नहीं है कि एग्जाम्पल सैट करनी चाहती है। पहला सानू ऐ तो दसो भी तुहाडी पार्टी कि एग्जाम्पल सैट करना चाहती है, की वोटां की राजनीति तुहाडी पार्टी नहीं कर रही, दोनों पासे राजनीति कर रही है तुहाडी पार्टी, सिखां नाल भी कर रही है, प्रेमियां नाल भी कर रही है। साढ़े ही सिख भरावान साढ़े ही जरा प्रेमिया के भरावान 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 के लड़ाई पा रही है ताकि पार्टी, ताकि पार्टी ही है जी डबल गेम खेल रही है पंजाब के, पार्टी ही है जी मतलब 2007 के सिखा के प्रेमिया के आपस के पारा पा के रख दिता, दो सके भरावान जोड़ा सी सके भरा दो एक प्रेमी एक सिख, दो सके भरावान भी पारा पा के रख दिता। सब तो वध जे कोई राजनीति
कर रहे हैं वोटां दी राजनीति तो तुहाडी पार्टी कर रही है ते तुहाडा प्रधान चुप के एदा मतलब जे अज प्रधान इन्हां दा चुप है ते एदा मतलब प्रधान ने ही उंगल लाई है कि हुण तू ऐ बोल दे उन्हां दा ना साडी साध संगत तक मतलब है ना उन्हां नूं साडे गुरु तक मतलब है उन्हां नूं मतलब सी सिर्फ आदियां वोटां तक जिन्ना चिर वोटां नहीं पईआं पर शर्म करे साडा राजनीतिक विंग गुरु नूं समझ गए इन्हां नूं तां संतां दी अहमियत ही नहीं पती इन्हां नूं तां चलो संतां दे नेड़े नहीं रहे असीं कहिंदे आ इन्हां नूं नहीं कुछ पता पर विंग वाले ने तो क्वांटलां दी क्वांटल नमक खादा डेरे दा ए सतगुर नाल एडा धोखा उन्हां लोकां दे नाल इन्हां ने हाथ मिलाए हुए है जेडे लोग रोज रोज साडे गुरु नूं चैलेंज करदे आ शर्म नाल डुब के मर जाओ सारे राजनीतिक विंग वाले हुण तुसीं सफाई क्यों नहीं दिंदे तुहाडा प्रधान सफाई क्यों नहीं दिंदा समाज नूं प्यार कर दिया उन्हें अज तक किसी गुरु की अवतार ने किया ही नहीं है ये चैलेंज है साडा लई सानूं साडे गुरु का पता है किसी ने अज तक जिन्ने गुरु की अवतार हुए इस धरती से दसो किसी ने 6 करोड़ शिष्य दी किसी ने 6 करोड़ के घर स्वर्ग बनाए अज कले कले प्रेमी नूं पुछ के देख लो हजारां त्रिश्मियां एक एक प्रेमी दे नाल ये ठीक है साडे तां आपदे ही जिहड़े सीगे सानूं धोखा दे गए अज जिहड़े बाहरले सही फण चक चक के आउंदे आ ना ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਮ ਵੀ ਦਾ ਭਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਚੀਪ ਖਿੱਚ ਲਓਦੀ ਇਹ ਭਜਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਵਾਤੀ ਅੱਜ ਜਿਹਦਾ ਦੋ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਮੂਹਰੀ ਲਓ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਖੋਟੇ ਪੜੇਂਗੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਫਿਰ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੋਟੇ ਤੇ ਖੋਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਛੋਟੇ ਪਏ ਨਾ ਉਸ ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਓ ਪਹਾੜਾਂ ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਿਓ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਖੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੰਜੀ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਬੋਲਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਹੈ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਮੇਨਫੇਸ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਟਪਾਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਟਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਦ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬਲਟੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਕਹੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜੱਟ ਪਲੱਸ ਪਿਛੋਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਰਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਨਾ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਭਜਨ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਪੜੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਤਕ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾਂ ਹਥਿਆਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪਾਲਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ
ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਪਾਪੀ ਸਾਡੇ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੁਲਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ। ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸੇ ਨੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੂਣਾ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ, 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007-2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਬਣਿਆ, ਔਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। ਥੋੜੀ ਈਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਠ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ 2 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ 2 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ 150 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ 15 ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਿਉਂ ਨੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੀ, ਕਿਉਂ ਨੀ ਪੁੱਛਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਹਦੇ ਵਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦਿਹਾੜਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨੀ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ? ਕੱਲੇ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਚ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਥ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ 10-20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਿਉਂ ਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਖਾਸ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਧੀ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਚਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੇਚੂਗਾ ਤਾਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸਤਾਨ ਦਾ? ਇਹ ਧਾਨੇ ਨਾਲ ਨੀ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਾਕਾ ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਨਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧੋਈ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਚਨ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇੰਨਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਆ 15 ਮੈਂਬਰ ਆ 25 ਮੈਂਬਰ ਆ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਸੁਜਾਣ ਭੈਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਉਤਰਿਆਂਗਾ ਕਈ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਚੱਕ ਚੱਕ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੋਟਾਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨੇ, ਸਿਰਫ ਨੋਟਾਂ ਦਿਵਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਏਕਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਏਕਾ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਖੂਗੀ ਵੀ ਆਹ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੰਗ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਖੇਡਦੇ ਆ ਸਾਧਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਈ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਨਾਂ ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੱਥ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ,
या फिर गुरु दी आन बान ते शान नु उच्चा करना, दो चीजा है। अगर सिर्फ गुरु दे बन के रहोगे, गुरु दे हक च खड़ोगे, ता ओदे नाल गुरु दी आन बान शान पूरी दुनिया च उच्ची होगी। अगर तुसी राजनीतिक वेंग वाला दे मगर लगोगे, एडम ब्लॉक दे मगर लगोगे, मैनेजमेंट कमेटी दे बंदियां नु गुरु बनाओगे, पिता जी के बचन है अगर बंद भुल के भी गुरु बना रहे ना, बंदे भी नहीं रह जाओगे, जो बंदे ना रहे पशु बनोगे। पशु ना भी फिर हो सकता थले की जुनी जी जाओ। तो दूसरे पास ये है भी फिर जो तुम पाई चलो इन्होंने ध्यान से बचना, फिर करवाई चलो आपसे गुरु की निंदा, तो फिर निंदक का हाल की होंगे, फिर भुगतन वास्ते तैयार है। चीका ना मारे सा मारे भी अच्छी हो गया बचन है। गुरु पिताई के बचना याद कर लो, रहानियत नु मखौल ना समझो। ये दुनियादारी इथी रह रही है धरी धरी, रहो जे सतगुर ने बन के नहीं रहोगे तो याद रखना मुड़ के कहने भी फिर पछताए हो जब चिड़िया चौगी खेत। जदों सारिया चीजा खेत चुना सारा कुछ अच्छी हथों गवाया सतगुर ने तो आ जाना, यह जी गल ना सोचो भी कहीं जो तुम ना गुरु वास्ते उठे तो सतगुर नहीं आऊगा। सतगुर ने आपके बच्चों के अंदर पैदा करती है, सतगुर के योधे उठ खड़े हुए हैं। यह हम जो कारण है यह सतगुर के योधे का रुकूगा नहीं है। तुम हरियाणा के भी देखोगे कि किमें पंजाब नो कई गुना वध के संगत जागरूक होगी। सतगुर खुद अपनी रहमत का जागरूक करेंगे संगत को, फिर देखना तुम अपना पंचायती चुनाव आओगे तो फिर 2024 तो पहला पहला हालात देखो फिर बदल दे। गुरु पिता जी के वचना लोकतंत्र मजबूत होके ही रहूगा। एदा जरा सेवा एक कुल मालिक दे साडे सतगुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी सारे बाबा शेर बच्चे कर सकते हैं, ते बच्चे दुनिया नु बदलाव जो पिता जी का शब्द दे विच एक वैसे है तो फिल्म दे विच असीं तां हमेशा ही कहने कि साडे गुरु पिता जी दे शब्द ही है। चलो कुछ नु लगदा ओ वीर बन वी देश वास्ते समाज वास्ते जो खतरनाक है जो डेंजर है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਅਣਖੀ ਯੋਧਾ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਲਟੇ ਵਹਿਣ ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਚ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਯੋਧੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉੱਠਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਚਨ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਖ਼ਤ ਝੁਕਾਏ ਆ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਝੁਕਾਇਆ? ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਰੱਖ ਕੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਝੁਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁਕੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਅਣਖੀ ਜੋੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜੋਧਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੇਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਟਾ ਢੰਗ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਉਸ ਜਾਗਰੂਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और एक चिट्ठी थी, चिट्ठी को लेके सवाल था कि चिट्ठी हजूर पिता ने क्यों लिखी, और ये सवाल ये भी लिखा भी आखिर ये परिवार, जब संतों का कोई परिवार नहीं होता
तो फिर ये चिट्ठी लिखी क्यों गई और चिट्ठी परिवार के लिए क्यों लिखी गई वगैरह वगैरह, ये सब कुछ आपका जितना दिमाग चलता है पता नहीं, कितना दिल मानता है पता नहीं, पर ये चिट्ठी हजूर पिताजी की लिखी हुई नहीं है। जब इतना बड़ा धंधा चल रहा है जहाँ सैकड़ों हजारों करोड़ की राजनीति घूम रही है, वहाँ एक चिट्ठी गोभी राम जाके सरकार के लिए नहीं लिख सकता, जब वही जेल फर्जी चिट्ठियाँ बना के भेज के उससे मैनेजमेंट पैसा कमा सकती है करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया। MSG कंपनी अपना धंधा चला सकती है, अभी हमारा माल नहीं बिक रहा तो चिट्ठी निकलवाओ तो माल बेच पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अभी इनका सारा धंधा ही इस चीज़ पे चल रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ये चिट्ठी गोबीराम जाके सरकार के लिए लिख दे तो कोई बड़ा इशू नहीं है, तो ये चिट्ठी को आप ये मत मानिए। रही बात शाही परिवार की, तो परिवार शाही तब तक है जब तक हजूर पिताजी का नाम उनके साथ जुड़ा है। हजूर पिताजी ने ये वचन किए थे शाही परिवार को, भी उनका कोई हक नहीं है हजूर पिताजी पे, ये परम पिताजी के वचन हैं जो वो परिवार को समय दे रहे हैं। लेकिन परम पिताजी ने भी हजूर पिताजी को बाउंड नहीं किया था कि आपको टाइम देना ही देना है, अगर मिले तो देना है, अगर आप ना चाहो तो नहीं देना, तो ऐसा नहीं है। तो हजूर पिताजी ने ये बात शाही परिवार को समझाई थी, भी शुक्र मानिए परम पिताजी का जिन्होंने ये वचन कर दिए, तो हम आपको समय दे रहे हैं, वरना हम अगर चाहें तो हम आपको समय ना भी दें, तो हमें बांध कर नहीं गए हैं परम पिताजी। तो ये इशारा पिताजी जेल जाने से पहले कर गए थे, और हजूर पिताजी को मालूम था भी एक दिन भाई जसमीत भी डेरा की संगत का सौदा कर जाएगा, इसलिए ही वो पहले ये बात बोल कर गए कि हमारे अलावा किसी की बात पर भरोसा नहीं करना। जब हजूर पिताजी खुद अपने परिवार पर भरोसा नहीं करते हैं तो साथ संगत को भरोसा करने के लिए क्यों कहेंगे। तो ये चीजें, हाँ मैं ये चिट्ठी कोई बड़ी तोप नहीं है, अभी क्यों लिखवा ले सरकार, तो खैर इसकी इतनी सरदर्दी मत पालिए। इसके अलावा एक ट्वीट आपको इलेक्शन से पहले दिखाया गया होगा, अभी इस ट्वीट के हिसाब से पॉलिटिकल विंग को वोट डालना है, उस ट्वीट के स्क्रीनशॉट को आप गौर से देखें, वो तैयार किया गया। आजकल क्या है कि एक फर्जी ट्वीट, फर्जी एप्लीकेशंस ऐसी आती हैं जो इस तरह से ट्वीट तैयार कर लेती हैं, उस ट्वीट को जब आप गौर से देखेंगे तो वो ट्वीट इस तरह से स्क्रीनशॉट है कि 5 घंटे पहले ही लिखा गया है, और उस ट्वीट का जब स्क्रीनशॉट आप देखेंगे तो वो 5 घंटे पहले ही लिखा गया है, जबकि अगर ये ट्वीट ओरिजिनल होता तो ये कम से कम 6-7 साल पहले लिखा जाता 2014 में, लेकिन ये 5 घंटे पहले मतलब ये किसी सॉफ्टवेयर से जनरेट किया हुआ ट्वीट था जो एडिट, मतलब डुप्लीकेट आजकल ऐप्स ऐसी आती हैं जो जनरेट कर लेती हैं, तो उस तरह से जनरेट करके परोसा गया, लेकिन नकल के लिए अकल चाहिए तो अकल वो लगा नहीं सका। तो एक तो ये था, इसके अलावा एक सवाल था अभी कुर्बानी गैंग किसने बनाया क्यों बनाया। तो एक्चुअली क्या है, जब आप रूहान अध्यात्म को समझते हैं, अध्यात्म रूहानियत के तौर तरीकों को समझते हैं, ये चीज़ें बड़ी अलग तरह से हैं। अगर हम हिस्ट्री लें, नियरेस्ट हिस्ट्री लें, तो अगर सिर्फ जैसे सिख गुरु हुए हैं, हम कह देते हैं गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी ने लड़ाई लड़ने की बजाय बलिदान देना स्वीकार किया था, और गुरु गोविंद सिंह जी ने बलिदान देने की बजाय लड़ाई लड़ना स्वीकार किया था। तो एक दोनों, हालांकि पिता पुत्र थे वो, दोनों ही संत माने गए, पूर्ण संत माने गए, लेकिन दोनों का बिल्कुल जो बिहेवियर या कह ले जो उनका कर्म था वो बिल्कुल ऑपोजिट था। तो अब आप समझ के देखिए कि जब भी आखिर ऐसा क्यों था, अध्यात्म में क्या चीजें कैसे होती हैं। मसला क्या है कि एक दिन पहले पुलिस वाले ने मुझे धमकी दी, कल कल की बात, उसने बोला भी सरकार, तो भाजपा की सरकार उन लोगों पर भी केस बनवा रही है हमारे जरिए जिन्होंने भाजपा सरकार की मंत्री की गाड़ी को काले झंडे तक दिखाए हैं, उस पे भी केस बनाने का ऑर्डर हमें दिया गया है। तो फिर आपने तो कैंपेन ही भाजपा के खिलाफ चलाया है, तो आप अपना हिसाब लगा लो। ये कोई सत्संगी पुलिस वाला था, रैडम ब्लॉक का भगत था, जिसने मुझे कल फोन करके ये धमकी दी। अब आप एक चीज बता दें, सत्ता क्या करती है, धर्म को सत्ता में छेड़छाड़ कब करनी पड़ती है, कब हथियार उठाना पड़ता है, कब बलिदान देना पड़ता है, ये दोनों चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। क्या है कि सच्चा आदमी जब कोई नहीं रहता,
सरकार क्या करती है, हर आदमी छोटी मोटी चोरी कर ही रहा है। कोई इनकम टैक्स पूरा नहीं भर रहा है, कोई 2 नंबर में सामान खरीद ले रहा है, कोई टैक्स बचाने के लिए, कोई किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं कानून में गलती कर ही देता है। वो सच्चा नहीं होता, और जब वो कोई आवाज़ उठाने लगता है और सामने से सरकार को पता होता है भी इसने ये चोरी की है, तो सरकार उसको दबाना शुरू कर देती है। फिर वो अपनी चोरी को छिपाने के लिए अब समझौता कर लेता है। जब ये चलता रहता है तो सच्चे लोगों की गिनती दिन पर दिन पर दिन खत्म कम होती जाती है, कम होती जाती है। जब कोई भी व्यक्ति सच्चा नहीं बचता, तब धर्म के नुमाइंदे, मतलब जो ईश्वर को वास्तव में मानते हैं, दिखावा करने वाले नहीं है बड़े टोहे जैसे, या अकाली दल जैसे नौटंकीबाज को नहीं कह सकते हम, जो असली में दिखावा, जो मतलब मानते हैं रियलिस्ट में, फिर उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इस समाज की रक्षा करें। तब उसमें दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है भी वो अपना बलिदान देके उस सच्चाई की नींव रखते हैं, जैसे गुरु तेग बहादुर जी ने किया। जब उन्होंने बलिदान दिया तो उस बलिदान से बहुत से लोगों में क्रांति पैदा हुई, और लोगों ने सच्चाई को जीवित रखने के लिए कसम खाई, और लोग रखे भी। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया, उस सच्चाई के ऊपर आने वाले लोगों को, जब उनको लगा भी समाज फिर भी नहीं बदल रहा है, गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी के बाद समाज उस दिशा में नहीं आया है, तब उनको लगा भी अब ये जो सत्ता है ये मतलब इतनी बड़ी हो गई है भी ये मानवता, इंसानियत को ही निगल जाएगी। और जब कोई भी इंसान अपनी अपने खुद के हक लेने की बजाय गुलामी स्वीकार कर ले पूरा समाज, तब संत हथियार उठा लेते हैं, और ये हथियार गुरु गोविंद सिंह जी ने उठाया। ये ऐसा नहीं है कि वो हथियार भारत को आज़ाद कराने के लिए उठाया, वो हथियार इसलिए उठाया क्योंकि संत, जब और कोई सच्चा आदमी ना बचे तो संत तो सच्चे होते ही हैं। तो ये एक आम तौर पे माना जाता है भी शिक्षा, जो संतों की शिक्षा है वो इस तरह से काम करती है। अगर हम मौजूदा सिचुएशन में आए, कोई भी सरकार के खिलाफ खड़ा होने लगता है तो ईडी, इनकम टैक्स, ये सब कोई नया नहीं है। जब लोकतंत्र से राजतंत्र और राजतंत्र से डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप में जब आ जाएगा कोई, तो वो हर एक आदमी को दबाना चाहता है। अगर वो झूठा है तो चोरी उसको केस बना के, सच्चा है तो उसे जान से मार के। तो ये चीज़ें आमतौर पे अब भाजपा जिस ट्रैक पे चल रही है वो डिक्टेटरशिप पे चल पड़ी है, और इसी ट्रैक पे हर एक सत्ताधारी पार्टी चलना चाहती है, लेकिन जब वो चल नहीं पाती तो दूसरी पार्टी चलती है। बीजेपी का करेक्टर कुछ ऐसा है कि वो हर एक आदमी को मार के डिक्टेटर बनना चाहती है, अभी कानून उनके हिसाब से चले ना कि संविधान की उनको ज़रूरत ना हो, इसलिए वो हमेशा मनुस्मृति को प्रोजेक्ट करते हैं और इंटरनली अपने लोगों में कि मनुस्मृति एक ऐसा कानून है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजा जो बोल देगा वही कानून होगा, उसके अलावा कोर्ट की कोई मसला नहीं होता कोर्ट में। ये एक मनुस्मृति का कानून था। उसी तरह से इस देश को मतलब एक जो लीडर है वो खुद को मसीहा बना के और एक अवतारी बना के प्रस्तुत करना चाहता है। तो यही एक काम भाजपा करती है कि नरेंद्र मोदी एक अवतारी पुरुष है ना कि एक लीडर है, और ये इस चीज में वो हर एक चीज को तोड़ती चली जाती है। यही काम औरंगजेब ने किया था, उसको लगता था भी सबको मैं मुसलमान बना दूंगा डंडे के जोर पे, और उसके बाद संतों ने लोहा लेना शुरू कर दिया उससे। तो आज की सिचुएशन में जब आओ और आप भगवत गीता को पढ़ो भी, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भगवति भारत, ये सब जो पढ़ते हैं उस सब में यही लिखा है, जब पाप इतना ज्यादा बढ़ जाए, जब नरेंद्र मोदी जैसे पापी इस देश में आ जाएं या उन जैसी सत्ता देश में आ जाए, तो तब तब ईश्वर किसी ना किसी रूप में धरती पे आके ऐसे जो अत्याचारी लोग हैं उनको खत्म, जड़ से ही खत्म कर देता है। तो कुछ इसी सिचुएशन के आज देश उसी सिचुएशन में है, और ये इसीलिए है कि उस टाइम भी जो संतों के साथ कंस ने संतों को, पिताजी बताते हैं, अपने रथ में जोत लिया था घोड़ों की जगह, तो संत उस टाइम भी तपस्वी थे लेकिन जोत लिया था, तो ईश्वर को स्वयं प्रकट होना पड़ गया, अभी मेरे संतों को जोत लिया। तो उसके बाद कहते हैं भी श्री कृष्ण जी ने विराट रूप धारण किया और कंस के समूचे जितना भी राजतंत्र था उस सबको खत्म कर दिया था। हर टीवी में तो और तरीके से दिखाते हैं लेकिन प्रैक्टिकली जो आप पढ़ेंगे श्री कृष्ण जी की जीवनी वो कुछ अलग तरह से है। तो खैर यही चीजें हैं, जब सच्चा आदमी धर्म, खास तौर पे जो धर्म के रास्ते पे चलता है, जो ईश्वर को पाने के लिए चलता है, उसको राजनीति सत्ता किसी भी लोभ लालच से वो ऊपर उठ के सिर्फ ईश्वर को पाने के लिए चलता है, उसे हथियार, उसे
लड़ाई में तब कूदना पड़ता है जब बुराई का सामना करने के लिए कोई भी आदमी अपना हक मानने लेने की बजाय गुलामी स्वीकार कर ले। तो राजनीतिक विंग तो वैसे ही पाप का मतलब भंडार लेके है, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। अगर आप आज जोरा सिंह के घर जाओ, राम सिंह चेयरमैन के घर जाओगे, आप जगजीत सिंह के घर जाओगे, एक क्लर्क आदमी, एक बैंक का चपड़ासी, रामकरण भवानीगढ़, एक बैंक का क्लर्क आदमी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी के वारिस बन गए। और इन सब का माई बाप राकेश, जिसके घर में पिताजी गए 10 साल पहले, तब उसके घर की चारपाई के पैर भी टूटे हुए थे और वो किसी को पकड़ के रखने पड़े थे, तब हजूर पिताजी उस चारपाई पे बैठ पाए थे। और जब दोबारा गए तो उसका घर जसमीत भाई जी के घर की तरह आलीशान था। तो सोचिए 10 साल में उसने कितने करोड़ उठा लिए जो अपना घर इतना बनाया। और आज हालत ऐसी है, उसका छोटा भाई मर गया और वो अंतिम संस्कार पे नहीं जा सका। मतलब बदनाम, या आप ये कहिए कि बद्दुआओं का असर इतना है कि मरने के बाद भी उसका शरीर दान नहीं हो सका, उसकी सेवा नहीं ली गई। मतलब वो सेवा करना भी चाहे तो भी संत ऐसा माहौल खड़ा कर देते हैं कि वो सेवा के लायक नहीं रहता। तो उस लाश को भी किसी मेडिकल कॉलेज ने, हर मेडिकल कॉलेज ने लेने से इनकार कर दिया। मतलब उसके हिस्से वो सेवा भी नहीं आई। जो अपने आप को भगत जिसको यहाँ दिखाया गया, उसका भाई जवान उम्र में मारा गया, मर गया, वो ना संस्कार पे जा सका ना उसकी नामचर्चा में जा सका। इसके अलावा आपको कई 45 नंबर ऐसे मिलेंगे जिनके हाल ही में जवान बच्चे मर गए हैं किसी ना किसी वजह से। तो आप अंदाज, इवन जोरा सिंह की फैमिली को जब आप देखेंगे, जो सबसे ज्यादा अकाली दल का गुलाम है, जिसने सबसे ज्यादा साध संगत को बेचा है और फिलहाल सलावतपुर डेरा पे कब्जा जमाए बैठा है, उसके घर में इतनी मौत हुई है, नरक जैसी जिंदगी है, और वहां पे उसको फिर भी इस चुनाव में भी पैसा चाहिए था तो उसने पैसा मांगने में गुरेज नहीं किया। तो आप अंदाजा लगाइए, लोग हमें बताते हैं भी जोरा सिंह सीधे सामने से ही करोड़ों रुपया मांगता था कि मैं इस कैंडिडेट को जितवाऊंगा अकाली दल के। और तो उन्हीं के लोग बता रहे हैं कि हमसे सीधा सीधा पैसा मांगता था सरेआम, और इतना पैसा मांगा है इसने हमारे पार्टी के लोगों से, ओपन तौर पे वो बोलते हैं। तो आज हमने इसलिए, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम, मेरे पास दो लोगों के, जगजीत सिंह के और राम सिंह चेयरमैन की, पूरे जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी है, इनके कागज लोगों ने निकाल के भेजे हैं। तो धीरे धीरे हम सोच रहे हैं भी औरों के भी आ जाएं, लगे हुए हैं लोग, निकाल रहे हैं जगह जगह से, जो भी तरीके हैं। जब सबके आ जाएंगे तो हम आप सबके सामने परोस देंगे किसकी कितनी जमीन, कितने प्लॉट, कितनी फैक्ट्रियां, कितने दुकानें कहाँ कहाँ पर हैं, और कैसे एक 20 हजार की तनख्वाह पाने वाला 200 200 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। और उसके बाद सरकार को ना ये दिखाई देता है ना सुनाई देता है। आज भी वो सरकार उन्हीं के लिए हजूर पिताजी को परेशान कर रही है। असल में भूल जाइए, सास संगत जी भी शाही परिवार आपका सगा है, वो सरेआम आपको बेचने निकला है और इस देश को छोड़ने में, इस देश को छोड़ के भागने की फिराक में है, क्योंकि उन्होंने पैसा बहुत अच्छा जमा कर लिया है जितना हमारी जानकारी है। तो आप भूल जाइए भी संतों का सगा कोई हुआ, संतों के अपने बच्चों ने ही संतों को मरवाया है, ऐसा भी इतिहास है। अपने भाइयों ने, अपने बच्चों ने, अपने पोतों ने, अपने रिश्तेदारों ने संतों को मरवाया है। और अगर आप ये मत समझिए भी शाही परिवार कोई दूध का धुला है, कुर्बानी दी माता जी ने, उन्होंने बापू जी ने, उन्होंने बलिदान दिया, लेकिन बलिदान सतगुरु लेता है, इंसान दे दे इसकी उसकी कोई औकात नहीं है। सतगुरु जिसे उस कुर्बानी के लायक समझता है उसे लेता है। सम्मान इज्जत सबका अपनी जगह है, सबका करें, लेकिन शाही परिवार को, साध संगत को बेचने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। किसी भी लेवल पे साध संगत को बेच नहीं सकते, अगर बेचेंगे, उन्होंने बेचा है इस चुनाव में, और उसकी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ेगी आने वाले टाइम में, और वो चुकाएंगे भी। और ये हजूर पिताजी पहले ही इशारा कर गए थे कि संतों को जब समाज बदलना होता है तो संत अपने परिवार को दांव पे लगाने से नहीं चूकते। और ये अगस्त 2017 में ही वचन किए थे, कोई ज़्यादा पुराने वचन नहीं है। और रही बात, कई बार क्या आपको कोई बोलता है भी नोटा कौन सा पिताजी ने अपने मुंह से नोटा शब्द बोला था, जिस टाइम पिताजी ने वचन किए थे उस टाइम ये न्यूज़ आई थी कि ऐसा कोई बटन लगेगा जिससे सारे नापसंद हो जाएंगे। उस टाइम ये नहीं पता था कि उस बटन का नाम नोटा था। नोटा 2014 में लगाया गया था चुनाव में सबसे पहले। उस टाइम ये नहीं पता चला था भी इस बटन का नाम नोटा होगा, इस बटन का नाम
क्या होगा ये किसी को नहीं पता था, लेकिन ये पता था भी ये बटन लगेगा जिससे सारे नापसंद हो जाएंगे। अभी लकीर के फकीर बन के आपको बोला, अभी नहीं नोटा थोड़ी सुना, बिल्कुल एग्जैक्ट नोटा बोला। जब उस टाइम बटन का नाम ही नहीं रखा था तो उनके माँ बाप आगे बता देते भी नोटा रखना है जी, उसका नाम नोटा, अभी से बोल दो। तो खैर क्या है कि आपको दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पैसों को लेकर कुछ भी कर सकते हैं, और इतना कुछ कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। पिताजी कहते हैं 10-10 रुपए में इज्जत बेच देते हैं आजकल की लड़कियां। बाकी चीज़ तो सोचिए, ज़्यादा पैसा हो तो क्या कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं क्या कि अब मर रही है अकाली दल सबसे ज़्यादा, क्योंकि क्या ये फड़फड़ा रहे हैं, इनको लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे। आग तो लगी पड़ी है अपने घर में, लेकिन सोचना कि यार पड़ोसी ने लगाई है आग, उन्होंने खुद लगाई है। बर्बादी का दौर तो अभी शुरू हुआ है, और यकीन मानिए धीरे धीरे आपको सब चीज़ आपके सामने आएगी। लेकिन क्या है, जहाँ इतना सब्र किया है थोड़ा सा सब्र और कीजिए, कोशिश कीजिए, चलते रहिए, धीरे धीरे सब कुछ सामने आएगा। अगला लाइव हम रखेंगे, आज वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे को नाम तर्जा रखेंगे, तो सैटरडे को हम पंचकुला दंगे वाले सीरीज आगे बढ़ाएंगे। और एक और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का बार बार कमेंट आ रहा था, अभी यूपी अयोध्या में कल परसों ही नाम चर्चा थोड़े दिन पहले रखी गई थी। वहाँ पे एक सांझी नाम चर्चा 1 महीने में एक बार रखी जाती है, अचानक एक से एक एमरजेंसी नाम चर्चा रखी गई है। ऑब्वियसली वो नाम चर्चा वोट बेचने के लिए रखी गई है, तो वोट बेचे जाएंगे ये सबको अंडरस्टूड है और कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि अयोध्या की सास संगत बहुत समझदार है और उनसे बहुत हमारी बातचीत भी हुई है, तो ये चीज़ें हैं। और रही बात कि बहुत से लोगों को लगता है भी नहीं परिवार को गलत नहीं बोलना चाहिए, हमें ना तो उनसे, क्योंकि हमारे मन में उनके लिए बहुत इज्जत थी। मैं खास तौर पे अपनी बताता हूँ, मुझसे 3-4 साल सीनियर हैं उन, जो गुरु जी के बड़े छोटे दामाद हैं, वो तो मेरे साथ ही पढ़ रहे हैं एक ही क्लास में और एक ही स्कूल में। मसला क्या है कि रिस्पेक्ट है, उनका रिश्ता हजूर पिताजी के साथ जुड़ा है, लेकिन उनके माँ बाप का रिश्ता गुरु के रिश्ते से बहुत छोटा होता है, तो गुरु का रिश्ता बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अब जो आपको लगता है भी ये शाही परिवार जो इस तरह के नौटंकी चिट्ठियां लिखवा के भी हमारे साथ गुरु, सबको पता है भी गुरुग्राम में शाही परिवार नहीं रहता, वो ग्रेटर कैलाश की कोठी में जाके रहते हैं, सबको पता है। फिर हजूर पिताजी ये बात चिट्ठी में क्यों लिखेंगे कि मेरा परिवार गुड़गांव में रह रहा है। हजूर पिताजी को जेल में बैठ के कैसे पता है कि ग्रेटर कैलाश की कोठी के आगे नाले का काम चल रहा है, इसलिए वहां पे नहीं जा सकते, गुड़गांव ही जा सकते हैं। आपको ये भी बता दें 31 जनवरी को पिताजी ने जेल को चिट्ठी लिखी, और 1 फरवरी तक, 31 जनवरी के अंदर अंदर जेल से रोहतक पुलिस, रोहतक पुलिस से रोहतक कमिश्नर, रोहतक कमिश्नर से गुड़गांव कमिश्नर, और गुड़गांव कमिश्नर ने अप्रूवल दे के भी, वेरीफाई करके भी परिवार गुड़गांव में रहता है, 1 फरवरी को चिट्ठी अप्रूवल करके वापिस भी भेज दी। इट मीन्स इतनी स्पीड से साइकिल घूमा, तो सब कुछ स्क्रिप्टेड था। और क्या है, कोई नई बात नहीं है, मेट्रो हॉस्पिटल में हजूर पिताजी आए, पीजीआई के अंदर ले गया, एम्स में ले जाए, सबको पता है भी हजूर पिताजी के खिलाफ साजिश रची है, और जसमीत भाई वहां मौके पे मौजूद है और मुंह बंद करके बैठा है, तो साफ समझ में आ जाना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। वो हजूर पिताजी की जान का, डेरा सच्चा सौदा की संगत का, सात संगत डेरा सच्चा सौदा की आन बान शान का सौदा कर रहा है। किस लिए? सिर्फ खुद को और अपने ससुर को सीट दिलाने के लिए। अगर ये धंधा करना है तो हमें ऐसा शाही परिवार तो किसी दुश्मन को भी ना मिले, दोस्त तो छोड़िए, हमें नहीं चाहिए ऐसा परिवार। जिसको चाहिए वो जाके लपेट लो, जाके चरण पकड़ लो उनके, हमें नहीं चाहिए, हमें हमारे गुरु से मतलब है। और यकीन मानिए ये जो पीरियड है ये शाही परिवार को बदनामी के अंधेरे में धकेल रहा है, और धकेल देगा, और ऑलमोस्ट धकेल दिया है उनके इस कर्म का, उनकी, क्योंकि उनका कौन सा ऐसे रिश्ता ऊपर से बन गया है। ये तो पुराने जन्म में किसी आत्मा ने बहुत ज्यादा भक्ति की, उस भक्ति के बदले उनको हजूर पिताजी के साथ रिश्ता मिला। मरने के बाद तो रिश्ते थोड़ी है, तो आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है, उसके साथ जुड़े हुए कर्म है। वो कर्म क्या शाही परिवार गलत नहीं कमा सकता, ये तो कहीं नहीं लिखा है। कर्म तो कोई भी इंसान अपनी मर्जी से करता है, गलत कमा सकता है। अगर एक इंसान की चुप्पी, पिताजी नहीं है हमारे, इस जहाँ मैं रहता हूँ इस कॉलोनी में वचन किए थे, ये शासत नामजी नगर एक कॉलोनी है, कहते हैं बेटा अगर आपकी वजह से आपके गुरु पर उंगली उठ जाए तो आपकी करी कराई सारी भक्ति खत्म। तो यही चीज आप समझना है कि अगर शाही परिवार की चुप्पी हजूर पिताजी के चरित्र पे उंगली उठा दी, चरमप्रीत बैन अमरप्रीत बैन, शाही परिवार सिर्फ एक लाइन नहीं बोल सका,
कि हजूर की हनीप्रीत हमारे घर की बेटी है, अगर हम पिताजी ने अडॉप्ट किया तो है। एक लाइन से सब चुप होते थे और ये लाइन बोलते हुए उनकी जुबान टूट जाती है। क्यों? क्योंकि उनको अपना धंधे चलाने हैं। तो अंदाजा लगाओ कि वो हजूर पिताजी की निंदा के कितने बड़े कारण हैं, और आपको लगता है उनकी भगती बची है? इधर हजूर पिताजी दिन दिन जेल में काट रहे हैं और इधर ये लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं। सात संगत मेरे सामने की बात है, संगत के सेवादारों से मांग के 40-40 लाख की फॉर्चुनर खरीदी गई है। खरीदी नहीं है, संगत से मांगी गई है भी हमें दो। मैं खुद उस टाइम सामने था और ये तक बोला गया अगर गाड़ी नहीं दोगे तो पिताजी के आने के बाद तुम्हारी गाड़ियां काफिले में नहीं लगने देंगे। ये कौन सी धौंस है? ये चीजें मेरे सामने घटित हुई, और जब मेरे जैसे आदमी ने पूछ लिया भी सब कुछ क्यों कर रहे हो, तो मुझसे पता क्या पूछते हैं? बोला पिताजी को रिहा कराने में तेरा क्या स्वार्थ है? मतलब वो हमसे ये पूछते हैं भी हजूर पिताजी को रिहा कराना चाहते हो तो इसमें आपका स्वार्थ क्या है? हम वो स्वार्थ वैसे ही पूरा कर देते हैं, आपको जरूरत क्या है इसमें पंगा लेने की? इसका तो यही मतलब निकलेगा। तो खैर क्या है कि ढीठ बेशरम कोई कितना हो सकता है, ये हमने बहुत हद तक देखा है। ऐसे भी नौबत आई थी जब 24 घंटे के अंदर हम ये सारा प्रोग्राम खत्म करके हजूर पिताजी को बरी करा सकते थे कानून के जरिए, सच्चाई साबित करके। यकीन मानिए सामने से शाही परिवार नजर फेर के चला गया भी हमें बातचीत नहीं करनी है इस मसले पे। तो हमने तो उसी टाइम ही समझ लिया था, लेकिन क्या है कि आपके सामने सच आए इसलिए हर चीज का इंतजार किया जाता है। अभी आज जब उनकी हरकतें आपको सच दिखा रही है ना, कल को आपके सामने वीडियो आएगा। पता है क्यों आएगा? क्योंकि आपके वोट दोबारा से हरियाणा में चाहिए, वरना उनको वीडियो पेश करने की कोई वो नहीं पड़ी है। अभी आपका प्रेम जाग गया उनको, या उनके अंदर आपके प्रति कोई जिम्मेदारी जाग गई है। उनको पता है अभी अगली बार मुंह दिखाना है तो पहले वीडियो दिखाओ, फिर वोट मिलेंगे तो फिर और पैसा मिलेगा। शाही परिवार ने परमपिता के सामने अर्ज की थी कि हमारी 100 एकड़ जमीन को ले लो सेवा में, बदले में एक कमरा दे दो जिसमें बैठ के हम रह सकें और हजूर पिताजी के दर्शन कर सकें। सोचिए उस कमरे की जगह कास्टल बना के दिए हैं। कास्टल आप गूगल पे देखिए क्या होता है, कास्टल एक महल होते हैं बड़े तरह के। कास्टल बना के दिए हैं लेकिन फिर भी इच्छा नहीं भरी। एक कमरा मांगा था, कास्टल दे दिया, बंगले दे दिए, कंपनियां बना के दे दी, और उसका माल भी संगत को ही बेचना है। ऐसा नहीं है कि वो माल बाहर बहुत बढ़िया क्वालिटी का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, वो बेचना भी संगत को ही है। उस संगत से ही पैसा कमाना है, और उसी संगत को लूटना है, और उसी संगत को मूर्ख बनाना है, फिर उन्हीं को बेच देना है। ये कौन सा तरीका सीखा है परिवार ने? तो ऐसा परिवार आपको मुबारक हो जिसको चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अगर उनकी चुप्पी हमारे गुरु की निंदा का कारण है तो भाड़ में जाए ऐसा परिवार, भाड़ में जाए। हम उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते जो हमारे गुरु की निंदा का कारण बने। जिसको देखनी है वो देखें। तो खैर कई बार गुस्सा ज़्यादा आ जाता है। हम ये कामना करते हैं कि हजूर पिताजी हमारे तक हमारी बात पहुँचे, वो कभी ना कभी ऐसी हमारी बात भी सुने, संगत की सोच सुने, आप सबके कमेंट्स भी पढ़ें जो आप लिखते हैं। तो आप लिखते हैं हजूर पिताजी तो जाने जाने हैं, वो पढ़ते हैं, तो आप अपनी भाषा की शालीनता बनाए रखिएगा। और ठीक है बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसा लेके भोंकते रहते हैं, तो आप इग्नोर कीजिए और कोई काम नहीं है। धीरे धीरे सब्र कीजिए, कोशिश कीजिए, हिम्मत करेंगे जहाँ यहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ आगे भी पहुँचेंगे। तो सबसे पहले हजूर महाराज जी के चरणों में अरदास करके नारा लगाना है भी, हजूर महाराज जी हमें माफ़ करें और हमारे बीच में जल्दी से जल्दी वापस आएँ। सबने मिल के नारा लगाना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलेंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत के राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।